ए न्यूज टुडे वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। देखिए पहली खबर लाल शाह की। 14 सितंबर को बस्तर दशहरा समिति की बैठक जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित की गई। सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज, उद्योग और आबकारी मंत्री, प्रभारी मंत्री कवासी लखमा रायपुर से वर्चुअल रूप से बैठक में जुड़े। इस बैठक में संसदीय सचिव रेशन जैन, विधायक और अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड चंदन कश्यप के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में नए उपाध्यक्ष का मनोनयन किया गया। भटपाल परगना के लक्ष्मण मांझी ने मंगडू मांझी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी ने सर्व समिति से स्वीकार किया। इस अवसर पर सांसद दीपक बैज ने नव नियुक्त उपाध्यक्ष को बधाई देते हुए कहा कि बस्तर दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे देखने आने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इसके सुव्यवस्थित आयोजन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि मावली परघाव के अवसर पर लोगों की उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही अन्य सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करना जरूरी है। इस दौरान प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने भी कहा कि पूरी दुनिया में विख्यात बस्तर दशहरा पर्व को सब लोग मिलकर उत्साह पूर्वक मनाएंगे। बस्तर दशहरा पर्व के लिए सभी व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करेंगे। बलरामपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि दी और कहा हर संभव मदद के लिए वो आगे भी साथ देंगे। विधायक चिंतामणि महाराज बेलसर और बनखेता गांव पहुंचे और मृतक के घर जाकर उन्होंने शोक संलिप्त परिवार से मुलाकात भी की। शव को कफन देने के बाद विधायक ने मृतकों के परिजनों को तत्कालिक सहायता राशि भी दी। इसके साथ ही अस्पताल में भी घायलों उपचार करने वो पहुंचे। कल बहुत ही दुखद घटना हुआ है, जिसमें बेलसर में पांच लोग एक जगह पर थे, जहां पर बिजली गिरा हो, चार लोग को खत्म हो गया और पांचवा एक महिला है जो घायल है, और वहीं पर बांसडीह में भी बिजली गिरा है। वहां पर कोई जनहानि तो नहीं हुआ है, लेकिन लोग घायल हैं। खैर ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके बाद भी दुखद विषय है ये, लेकिन उसको कौन रख सकता है प्राकृतिक आपदा को। हम हॉस्पिटल में आकर के उनका ठीक ठाक इलाज उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यागली खबर की ओर देखें चंद्रशेखर बरेठ की। जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी सुरक्षा घेरा को तोड़कर आगे बढ़ने में सफल रहे। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जिले भर के कांग्रेसी रेल रोको आंदोलन में शामिल होने जिला मुख्यालय जांजगीर पहुंचे थे। कांग्रेस के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने पहले ही जांजगीर नैला रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन कांग्रेस जनों के आंदोलन में वो नाकाम रहे। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कई कांग्रेसी स्टेशन के अंदर जाने में कामयाब रहे। लंबे समय से लोग प्रताड़ित थे, अचानक ही ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता था। 22 ट्रेनें अभी इस रूट की रद्द हैं। इसके पहले कुल मिला के 2600 ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। गरीब वर्ग के लोग और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सबसे सस्ता साधन आवागमन का है रेलवे, परंतु केंद्र की सरकार की मंशा है इसको निजीकरण करने का। लोग प्रताड़ित होंगे और दूसरे परिवहन के साधन की ओर नजर दौड़ाएंगे, इसलिए रेलवे को रद्द किया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर। बढ़ते अगली खबर की ओर देखें लाल शाह की। जगदलपुर से संसदीय सचिव रेशन जैन ने शहर के 5 वार्डों में 1,68,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें नगर निगम के भगत सिंह वार्ड 6, शिव मंदिर वार्ड 3, अटल बिहारी वाजपेयी 38, लोकमान्य तिलक वार्ड 37 और महाराणा प्रताप वार्ड में 47 में 1,68,98,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर रेशन जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप शहर का समय विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और बिना किसी भेदभाव के शहर के हर वार्ड का विकास किया जा रहा है। नगर निगम में लोक निर्माण विभाग के सभापति और प्रदेश कांग्रेस महासचिव यशवर्धन राव ने संबोधित करते हुए कहा कि रेखचन जैन, जो कि नगरीय प्रशासन विभाग के संसदीय सचिव भी हैं, उनके प्रयासों से नगर निगम जगदलपुर को लगातार राशि आवंटित की जा रही है, जिससे शहर का समेकित विकास किया जा रहा है। काम कर रहे हैं धर्मपुरा में, ये जो सामुदायिक भवन की मांग थी, हमारी बहन सब आते थे, सामुदायिक भवन बना दो। मैंने कहा था कि आपका सामुदायिक भवन बनेगा बनेगा बनेगा, और मैंने 15,00,000 रुपए देने की घोषणा की थी, उसका टेंडर हो गया, आज भूमि पूजन का अवसर है और
हमारे नगर निगम के यहाँ अधिकारी बैठे हैं, बहुत जल्दी इस काम को बनाकर आपको राम भगवान के इस दरबार में सामुदायिक भवन बन के मिल जाएगा। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राम वन गमन पथ का जो काम शुरू किया है, उस क्षेत्र में हमने दलपत सागर क्षेत्र को भी जोड़वा दिया है कि राम वन गमन पथ जब बनेगा, काम शुरू हो रहा है, तो दलपत सागर का जो क्षेत्र है इसको भी राम वन गमन पथ में जुड़ाया गया। लाल शाह की देखिए अगली खबर सुकमा से। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जुलाई में आयोजित कार्यक्रम में पूरे भारत से बच्चों को नासा के वैज्ञानिक से बातचीत के लिए एक मॉडल तैयार कर अपने विचारों को रखना था, जिसके बाद उनमें से बच्चों को चयनित कर नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर मधुलिका से बातचीत करने का मौका मिलना था, जिसमें देश से लाखों की संख्या में बच्चों ने अपने मॉडल भेजे। इसी कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ से लगभग सभी जिलों से बच्चों ने अपने मॉडल भेजे और उन सभी बच्चों में से छत्तीसगढ़ में दो बच्चों को चुना गया, जिसमें से सुकमा के छिंदगढ़ आत्मा हाई स्कूल के छात्र प्रफुल का चयन हुआ, जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि कर रहे हैं। प्रफुल ने डॉक्टर मधुलिका से बातचीत की और चांद के बारे में भी जाना। वहीं प्रफुल ने अपना सवाल किया कि अगर उन्हें इस तरह की पढ़ाई करनी है तो कैसी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर मधुलिका ने बताया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ स्पेस की भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए और जिस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ध्यान से पढ़ाई करें। वहीं बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल की भी डॉक्टर मधुलिका ने काफ़ी तारीफ की। इस कार्यक्रम में पूरे देश से 12 बच्चों ने हिस्सा लिया। सर, मेरा क्वेश्चन रहा है कि मुझे इसरो या नासा में अगर कुछ अच्छे से मतलब वैज्ञानिक बनना हो तो और इंजीनियरिंग करना हो तो उसके ऊपर मैं सवाल रखा था कि किस टाइप से पढ़ाई करना चाहिए, तो उसमें वो सवाल मैं मधुलिका मैम के सामने रखा था, तो बोले कि कॉलेज भी करते हैं तो उसमें फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स इसे ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए बोल रहे थे। आपने किस प्रकार का डायग्राम बनाया था जिसके माध्यम से आपका चयन हुआ था इस छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करने के लिए? डायग्राम में बस मैं रॉकेट को प्रेजेंट किया था और उसमें इस पृथ्वी और चांद में अंतर स्पष्ट कर रहा था और उसमें जहाँ पृथ्वी में जो है तो वहाँ भी होना चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पृथ्वी में जितना है उससे अच्छा होना चाहिए अगर कभी जीवन संभव हो तो। इस तरह से मैं अपने मन से ही बनाया था डायग्राम। मेरा नाम विकास सोनी है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया गया था। कार्यक्रम का नाम मैसेज टू दी मून था, चांद को संदेश भेजना था, जिसमें कई छत्तीसगढ़ से 2023 गांव से 6000 के ऊपर बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ से 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ और आज बड़े गर्व की बात है कि उनका डॉक्टर मधुलिका से रूबरू चर्चा हुआ और जिसमें कुछ सवाल प्रफुल्ल ने पूछा कि किस प्रकार से वह आगे जाके उस फील्ड में जाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो मैडम के द्वारा भी उनको बहुत अच्छा से जानकारी दिया गया कि आगे चल के फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और ये सारी मैथमेटिक्स की जो कॉलेज स्तर की पढ़ाई है ये सब करके वह आगे जाके अपना भविष्य सुधार सकते हैं। लालशाह की देखिए अगली खबर रायपुर से। कांग्रेस के अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का अल्पसंख्यक सेल भारत जोड़ो यात्रा का संदेश फैलाने के लिए लगभग 100 कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अच्छा काम कर रही है, राज्य सरकार पर हमला करने के लिए केंद्र की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इंडिया गठबंधन से डरी केंद्र सरकार एक देश के एक चुनाव का मुद्दा लेकर आई है। पार्टी उसके नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का संदेश फैला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी ने प्यार और भाईचारे का संदेश फैलाया है। आरएसएस ने कई करोड़ रुपए खर्च करके जो कहानी तैयार की थी वो गांधी के यात्रा निकलने के बाद बेकार हो गई है। भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय को एकजुट करते हैं लेकिन उनके नेता लिंचिंग की घटनाओं में शामिल लोगों का सम्मान करते हैं। एक तरफ पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं को न्याय सुनिश्चित कराने का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिल्किस बानो के आरोपियों को उनके गृह नगर में रिहा भी किया जाता है।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने भगवान शिव के बारे में सोचा तो उनकी यात्रा सफल हो गई। हम वसुदेव कुटुंबकम के विचारों में विश्वास रखते हैं। हम विभाजन की राजनीति में शामिल नहीं हैं। भाजपा विभाजन की राजनीति में लगी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को साधने की बात तो करती है, लेकिन देश में जितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके मंत्रियों ने आरोपियों को जेल से छूटने के बाद मालाएं पहनाई। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पसमांदा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुनकर उद्योग, वो बुनकर उद्योग जो कृषि के बाद इस देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, उसकी कैपिटल सब्सिडी कम कर दी। बहुत दिन से जो कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है वो भी रोक के रखी हुई है। बुनकर उद्योग तबाह हो चुका है। छोटे छोटे वो कारोबार जो पसमांदा मुसलमानों के हाथ में थे, देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट में, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो सरकार किस मुंह से कहती है कि हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई, मदरसा छात्रों की ग्रांट्स रोक दी गई, उनकी फेलोशिप बंद कर दी गई। तो सरकार कौन से प्रयास ऐसा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास दिखाई पड़े? तो ये सरकार दरअसल उद्योगपतियों की सरकार है। ये वन नेशन वन इलेक्शन से ज्यादा वन प्राइम मिनिस्टर और वन उद्योगपति दोस्त वाली सरकार है। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये भाजपा का सिर्फ शगुफा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी से बड़ा शिवभक्त कौन है? पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने करके दिखाया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मैंने शिव की तरह उपासना करने का सोचा और तब ये यात्रा शुरू की। बाकी अगर कहीं कोई दक्षिण में कोई किसी क्षेत्रीय पार्टी का नेता अगर कोई बयान दे रहा है तो उससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो उनके व्यक्तिगत विचार हैं। हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। अगर कोई बयान दे रहा है तो ये उसका व्यक्तिगत मत है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी उदयनिधि स्टालिन के बयान को आधार बना के कांग्रेस से सवाल पूछेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो जीतन राम मांझी जी के बयान पे सफाई देनी पड़ेगी। देखिए, हमारा शुरू से एक स्टैंड है कि भारत बहुत विविधताओं का देश है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके ये सरकार आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहती है? मेरा सरकार से सवाल है, इस देश में बड़ी तादाद में आदिवासी रहता है। मैं जिस राज्य में बैठा हूँ, छत्तीसगढ़ में, यहाँ ये आदिवासी बाहुल्य, एक तरह से ये कहूँ तो आदिवासी केंद्रित राज्य है। और क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके सरकार आदिवासियों के अधिकार छीनना चाहती है? अगर छीनना चाहती है तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें। देखिए, इस सरकार ने बहुत वादे किए थे, दावे किए थे और नारे लगाए थे अच्छे दिन देने का। मेरा शेर है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। हम उन्हीं पुराने दिनों की तलाश में हैं जब पेट्रोल डीजल 58 रुपये लीटर था, जब गैस सिलेंडर 400 रुपये लीटर था, जब खाने वाला तेल, रसोई का तेल 70 रुपये लीटर था, जब आटा चावल दूध दही सब कुछ सस्ता था। केंद्र सरकार तो ऐसी सरकार है जो अपनी पसंद की फिल्मों को प्रश्रय देती है और कफन पे GST लगाती है। तो हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, इसे आम आदमी से, आम नागरिकों से कोई सरोकार नहीं। बहुत धन्यवाद, एक बार पुनः देर से आने के लिए आपसे माफी। सुकमा में पुलिस अधीक्षक किरण चौहान के मार्गदर्शन में मादक पदार्थ की तस्करी के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमावर्ती चेक पोस्ट मार्ग में आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान उड़ीसा राज्य की ओर से एक लाल रंग की स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति की तलाशी लेने पर 14.480 किलोग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,45,800 बताई गई, उसे परिवहन करते हुए पाया गया। दोनों अपराधियों के विरुद्ध अपराध मादक पदार्थ नियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए नाले के सामने पेश कर न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहा जा रहा है। इसी कड़ी में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। नारायणपुर जिले को आकांक्षी जिले के अंतर्गत जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से केंद्रीय जल शक्ति, पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान के लिए नारायणपुर जिला वासियों को और इस कार्य में लगे जल जीवन मिशन के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि बेहद कठिन बरसाहटों वाले नारायणपुर जिले के गांव-गांव में हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण काम था। उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिले के अंतर्गत नारायणपुर जिले को सम्मानित किया। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से 30 जून 2023 तक कराया गया। इसमें आकांक्षी जिलों के अंतर्गत नारायणपुर जिले का कार्य उत्कृष्ट पाया गया। इस जिले के लिए जल जीवन मिशन ने 30,322 परिवारों तक शुद्ध
पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। इनमें से 18,072 घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। 14 गांव ऐसे हैं जहां 100% परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।